अभी हमारे साथ कैरोप्रैक्टिक के इस देश के सबसे फेमस डॉक्टर रजनीशकांत हैं। इनके पास विदेशों से लोग आते हैं, गल्फ कंट्री से लोग आते हैं, रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं, यहाँ तक कि बिहार विधानसभा में बैठे बहुत सारे नेता, तेजस्वी यादव, उसके साथ साथ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी आते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार आते हैं और बॉलीवुड के भी कलाकार आते हैं। ये 7 दिन यहाँ पे बैठते हैं, 7 दिन मुंबई और 7 दिन हैदराबाद। एक छोटे से जगह से इन्होंने शुरुआत किया था और आज पूरे भारत में सबसे फेमस कैरोप्रैक्टिक के डॉक्टर बन चुके हैं। रजनीशकांत सर, सबसे पहले सजतक न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। अच्छा, ये बताइए कि इन हाथों में ऐसा क्या है जो आप इतना जल्दी इतना ज़्यादा फेमस हो गए और आपके पास जो है सभी लोग आते हैं? देखिए सर, ये हाथों में कोई जादू नहीं है, बस एक ये ट्रीटमेंट पैटर्न है। और आज के डेट में देखा जाए तो बहुत से सारे लोग मेडिसिन से दूर भागना चाहते हैं और हमारा जो ट्रीटमेंट है टोटल मैनुअल थेरेपी है। बस जो भी हम लोग इलाज करते हैं, मैनुअल थेरेपी और मेडिसिन फ्री। हाँ। तो इसमें कोई ऐसा ड्रग का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रेयर केस में हम लोग मेडिसिन चलाते हैं। जैसे किसी का D3 B12 का डिफिशेंसी होता है तब चलाते हैं, नहीं तो मेडिसिन बिल्कुल नहीं। हम लोग का टोटल काम ही ऐसा है कि बिना दवा का ट्रीटमेंट करना है और हम लोग करते हैं। और अच्छा, शुरुआत आपने कैसे किया था? शुरुआत मैंने, अगर देखा जाए तो मैं बाई बर्थ ही मुझे ये एडजस्टमेंट आते थे। बहुत सारी महिलाएं आती हैं, बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री की कलाकार भी आती हैं, काजल रंगवानी भी आई हैं आपके पास, खेसारी लाल यादव भी आए हैं। अच्छा, ये बताइए कौन से राज्य के मुख्यमंत्री आए थे आपके पास? नहीं, मैं वहाँ सिक्किम गया था। हाँ। वो सिल्लीगुड़ी में मेरा विजिट होता है। हाँ। तो वहाँ के जो सिक्किम के जो CM है प्रेम सिंह तमंग उर्फ गोले जी, वो भी काफ़ी टाइम से उनके कोई असिस्टेंट है, वो देख रहे थे तो मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा CM सर जो हैं आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। और मैंने बोला ठीक है, फिर मैं जा कर के मिला, उनको ट्रीटमेंट भी दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं उनको डायग्नोस किया, किसी स्टेट के CM को ट्रीटमेंट करना कम बात नहीं होता है। सबसे पहले होता है कि वो कैसा क्या क्या, तो मैंने उनको सबसे पहले मैंने उनको डायग्नोस किया और डायग्नोस करके जो भी उनके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इंटरनल जो उन्होंने मुझसे शेयर नहीं किया था, मैंने उसके बारे में भी बताया। वो बहुत खुश हो गए और बोले कि अब जैसे ट्रीटमेंट करना है रजनीश करो। फिर मैंने उनको ट्रीटमेंट किया। फिर उनके करने के बाद में वहाँ के जो राज्यपाल साहब थे गंगा प्रसाद चौरसिया जी, उन्होंने भी ट्रीटमेंट लिया, उनकी वाइफ भी ली, इनफैक्ट उनका बेटा जो यहाँ संजीव चौरसिया जी हैं वो भी ट्रीटमेंट लिया और सब लोग खुश हुए। तेजस्वी यादव जी भी से मिले हम, उनको भी ट्रीटमेंट दिया, वो भी खुश हुए कि नहीं चलो ऐसा कोई ट्रीटमेंट होता है बिहार में, बहुत खुश हुए। अच्छा, मुंबई में बैठते हैं तो वहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? मुंबई में लगभग तो आपके ये आउट ऑफ कंट्री से बहुत सारे लोग आते हैं, दुबई वगैरह से भी आते हैं। बाकी आपका फिल्म इंडस्ट्रीज़ का या बॉलीवुड का या पंकज त्रिपाठी हो गए, वहाँ पे लोकल बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मराठी वगैरह, वो सब लोग आते हैं। साउथ में भी बहुत सारे कलाकार आते हैं, तो सबको ट्रीटमेंट मैं करता हूँ। इतना फेमस कैसे हो गए आप? देखिए, मतलब लोगों को रिजल्ट से मतलब है। अगर मैं किसी को ट्रीटमेंट दिया उसे अच्छा लगा तो माउथ पब्लिसिटी सबसे बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो ऐसे तो ऐड जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन माउथ पब्लिसिटी जो है वो एक अलग है। अगर मैं रिजल्ट दूंगा तो फेमस तो होना ही है। सोशल, मैंने आपका अनेकों वीडियो देखा था, बनारस में मैं था, मोदी जी का रैली था, उस दिन मैं कवरेज कर रहा था और पहली बार मैंने आपका वीडियो देखा। उसके बाद से मैं गया तो देख रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकार दिख रहे हैं, बॉलीवुड के कुछ लोग दिख रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएँ दिख रही हैं जो आपसे ट्रीटमेंट लेती हैं और आप कमाल का काम करते हैं, 1 मिनट में सब कुछ ठीक कर देते हैं। इतना जल्दी जो है आप बारीकी से कैसे पकड़ लेते हैं? देखिए, ये डायग्नोस है, काफ़ी एक एक्सपीरियंस भी एक चीज़ होता है। तो काफ़ी टाइम से मैं वो स्पाइन को, मतलब सुपरफिशियल स्किन के ऊपर से मैं ये रीड करता हूँ और उस पर मैं जो भी स्पाइन है आपका, ये जस्ट लाइक ये स्पाइन है, मैं इसको रीड करता हूँ। ये जो साइड के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसे मैं टच करता हूँ। ये अगर देख सकते होंगे आप, इसमें भी दिख रहा है, ये सिक्वेंस में है, ये मिसिंग अलाइनमेंट है। जब मिसिंग अलाइनमेंट है तो इधर से जो भी ब्लड वेसल्स पास होते हैं, तो नेक में अगर प्रॉब्लम होगा तो ये अपर साइड में प्रॉब्लम होगा, इनफैक्ट आपके दोनों हाथ में भी प्रॉब्लम आएगा। अगर चेस्ट, अगर ये बैक साइड में थोरेसिक रीजन में प्रॉब्लम होगा तो इंटरनल ऑर्गन जितने हार्ट, किडनी, लीवर, वो सब भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए डाइजेशन वगैरह भी हम लोग ठीक करते हैं, क्योंकि सबलक्सेशन, ये जो जितने सारे ये नर्व सप्लाई है, किसी ना किसी को, मतलब ये ब्लड सप्लाई करते हैं,
अगर मैंने T7 में प्रॉब्लम है तो पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करता है, अगर यहाँ प्रॉब्लम होगा, अगर काफ़ी टाइम से कंप्रेशन तो वो आगे चल करके डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो हम लोग इसको अलाइनमेंट में लाते हैं और सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। लंबा रीजन में आता है लोअर बैक पेन, पैरों में झनझनाहट होना, ये सारा सिम्टम आता है। तो हम लोग बेसिकली ये स्पाइन पे काम करते हैं और इसको जो एक सही सिंपल सी बात है, रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार, तो हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो आप जिस फील्ड के डॉक्टर हैं उस फील्ड के बहुत कम डॉक्टर होते हैं, क्योंकि आप लोग जो है डायरेक्ट ट्रीटमेंट देते हैं, लोग मेडिसिन फ्री हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा होता क्या ना कि जैसे कि ट्रीटमेंट देते हैं हमारे फील्ड का, जो ये एक ट्रीटमेंट जो है, ये कैरोप्रैक्टिक जो ट्रीटमेंट है, ये ड्रगलेस थेरेपी ही है। और इसमें क्या, आज के डेट में जो है, अगर मान लें सपोज अगर ये स्पाइन यहाँ से थोड़ा रोटेट हुआ, ब्लड वेसल्स इधर कंप्रेस्ड हो रहा है, अब इस पर चाहे आप जितना मेडिसिन ले लो, फ़ायदा तो कुछ नहीं होना है। लेकिन जब मेरा डायग्नोस जब आता है तो मुझे पता चलता है कि ये मिसिंग अलाइनमेंट है, मैं इसको फिर से रीअलाइन कर देता हूँ, तो ये सिक्वेंस सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और विद इन 5 to 10 minutes में पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। तो हमारा ये ट्रीटमेंट है। जैसे आपने मेरा किया आप ही बता सकते हैं एक्सपीरियंस कैसा है। मुझे मैंने कभी अपना सर जो है ना वो किसी के हाथ में नहीं दिया है कि तुम घुमाओ मेरा सर, कभी नहीं। लेकिन आपने जो किया मुझे अच्छा लगा, और मेरे हाथ में जो है दर्द रहता था, वो दर्द इसलिए रहता था कि मैं पिछले 10-12 साल से मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पे दर्द रहता है। तो अब थोड़ा सा मोबाइल इस्तेमाल करना कम किया हूँ, फिर भी दर्द। लेकिन आपने जो किया उसके बाद से जो है ये थोड़ा सा लग, ये एक सिंपल वर्ड में बता दे तो ये ट्रीटमेंट जैसे जो अभी आज के डेट में प्रॉब्लम हो रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। अपने आप को कैसे रख रहे हैं, गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना, इस कारण से हो रहा है। तो थोड़ी बहुत मैं ये भी चाहूँगा कि अगर थोड़ा बहुत अगर पब्लिक अगर समझने लगे कि ये ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं सोना, तो फिर मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, वो घर पे ही ठीक हो सकते हैं। अच्छा, कैसे बैठना चाहिए चेयर पे? मतलब एक पोस्चर में कंटिन्यू नहीं बैठना है, एक पोस्चर में जैसे अब ऐसे ही बैठे हैं तो कंटिन्यू नहीं बैठना है, ऐसे ही बैठे हैं कंटिन्यू नहीं बैठना है, पोस्चर को चेंज करना है। सोने के लिए जैसे भी हो, एक होता है कि हम लोग पैर हाथ मोड़ करके सोते हैं, तो वैसे नहीं, सोने के टाइम हैवी गद्दा नहीं लगाना चाहिए, हैवी पिल्लो नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल सा लेंगे और आराम से धीरे धीरे सारा सबसाइड हो जाएगा, धीरे धीरे सारा सबसाइड हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा घटना जिस समय कोई आदमी आया होगा और आपको लगा होगा कि नहीं इसका बीमारी अब पकड़ में नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसे मतलब आते हैं, अभी हाल फिलहाल में एक पेशेंट आया मेरा यूपी से, उसका नेक बहुत सीवियर कंप्रेशन था, बहुत सीवियर, मतलब मुझे लगा कि मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो उसके मतलब पापा बोले, मैं उनको बता भी दिया कि सर मैं ये ठीक नहीं कर पाऊंगा, आप जा सकते हैं। तो बोले नहीं, मैं बहुत दूर से आया हूँ सर, कुछ तो करो आप, कुछ तो। बच्चा ऐसा था कि तो उसको हेडेक हमेशा, हाथों में नमनेस बहुत सीवियर था। तो मैं बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उसके पापा बोले कि नहीं एक बार तो देखिए आप। मैं बोला ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर मैं डायग्नोस किया, फिर मैं देखा, थोड़ा मैं उसको लाइट एडजस्टमेंट दिया, एडजस्ट किया, फिर वो बच्चा इतना खुश हो गया कि मैं गले पकड़ लिया कि नहीं मैं तो ठीक हो गया। और पता नहीं अब कैसे कैसे क्या, लेकिन मैंने तो बस ट्रीटमेंट दिया उनको, बस थोड़ा जो कंप्रेशन था उसको रिलीज़ किया, काफ़ी वो ठीक हो। अभी ये सेकेंड टाइम भी आए थे, अभी उनका लगभग 8-10 ट्रीटमेंट हो चुका, आज वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब तेजस्वी यादव के पास आप गए थे, उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो फिर कैसा लगा? मैं तो गया, मैं एज ए ट्रीटमेंट के लिए, तो मुझे वो तेजस्वी जी का ट्रीटमेंट कोई ऐसा तो है नहीं, अच्छा मैं गया तो थोड़ा बहुत हेजिटेशन भी था कि मैं कैसे करूं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैंने उनको डायग्नोस किया। पहले वो भी सोच रहे थे क्या ट्रीटमेंट है, कराऊं नहीं कराऊं, फिर मैं उनका थोड़ा डायग्नोस किया नेक, मैंने बताया कि सर आपको यहाँ प्रॉब्लम है। तो उनको जब मैं नेक एडजस्ट किया बैठे बैठे, तो उनकी जो आप ये धर्मपत्नी, तो बोली अरे ये कैरोप्रैक्टिक यहाँ इंडिया में होता है क्या? अभी बिहार में होता है क्या? तो बहुत अच्छी बात है, वो शायद कैरोप्रैक्टिक के बारे में पहले से जानती थी, तो उन्होंने वो जानती थी, लेकिन तेजस्वी यादव जी नहीं जानते थे मतलब वो अच्छी तरीके से जानती थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपने पूरा करवा। तो फिर तेजस्वी जी बोले कि नहीं मुझे फुल ट्रीटमेंट दो। मैंने फुल ट्रीटमेंट दिया और वो मतलब उनको अच्छा लगा। कैरोप्रैक्टिक इंडिया में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। देखिए अगर देखा जाए, अगर मेरे थॉट से, मेरे अनुसार, तो ये इंडिया का ही देन है, लेकिन इंडिया वालों ने बस उस स्तर तक छोड़ दिया इसको, और बाहर के कंट्री वालों ने इस कोर्स वगैरह डेवलप करके इसकी एक व्यवस्था, मतलब एक सही वे में पढ़ाई कराई। फिजियोथेरेपी मैंने बिहार से किया, उसके बाद मैं स्पाइनल मैनिपुलेशन वगैरह जितने सारे वर्कशॉप है, इंटरनेशनल वर्कशॉप है, मैंने अटेंड किया। फिर उसके बाद मैं ऑस्टियोपैथी की पढ़ाई मैंने ऑन्टेरियो कनाडा जो है उसका इंस्टीट्यूशन ये कोलकाता में है, उससे मैंने की, उसके बाद अपना प्रैक्टिस ये कंटिन्यू किया। सब कुछ तो ठीक है, मदद क्या करते हैं गरीबों का? देखिए गरीब
अब कहने से नहीं होता है, मुझे दिखना चाहिए कि वो गरीब है, अगर मुझे दिखता है कि वो गरीब है तो मैं उसको फ्री में भी ट्रीटमेंट करते हैं, इनफैक्ट जाने के लिए किराया भी देते हैं। कितने मरीजों का फ्री में ट्रीटमेंट आप हर दिन करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि फ्री मतलब फ्री का मरीज तो 10 तो देख ही लेते हैं पर डे। वो ऐसा नहीं कि मैं बिहार का हूँ तो मैं बिहार में ही देखता हूँ, हैदराबाद मुंबई कहीं भी मैं जाता हूँ मुझे लगता है गरीब है, मैं उसको बुला करके पैसा रिटर्न देता हूँ, बिना बोले वो हमसे बोलता भी नहीं है, मुझे लगता है कि गरीब है मैं उसको देता हूँ। चलिए ठीक है, अच्छा लगा सर आपसे मिलके। आपका वीडियो जो है हम लोग जो है अक्सर शॉर्ट्स वीडियो में देखा करते थे, एक डॉक्टर जो है वो इतना फेमस जो है किस प्रकार से हो गए, कैसे हो गए, उसके बारे में इन्होंने बताया। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो भारत के जितने भी डॉक्टर हैं कम से कम हर दिन 20% मरीज को फ्री में देखें। सभी डॉक्टरों से विनती है, क्योंकि डॉक्टर का मतलब होता है धरती का भगवान, और भगवान का काम होता है कि हमेशा गरीबों का इलाज जो है थोड़ा बहुत तो करें ही करें। जय हिंद।